जी नमस्ते, मैं हूं गौरांग पंडा। मेरा चैनल, आपका चैनल ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा करता हूं। जय जगन्नाथ के साथ एक नए वीडियो मिथुन लग्न जेमिनाइन एस्केंडेंट एंड टाइमिंग 16 जून से 16 जुलाई तक का। इस तरह का वीडियो मैं हर रोज देता हूं आपको, हर महीने का आधा से दूसरा महीने का आधा तक। जिस तरह का रवि का संक्रमण होता है, अगले महीने रवि के संक्रमण तक, जैसा कि संक्रांति से अगला संक्रांति तक, तो जून 16 से जुलाई 16 मिथुन लग्न जेमिनाइन एस्केंडेंट अप्रोक्सीमेटली इसी महीने में किस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा, ये कोई इंडिविजुअल जन्म कुंडली नहीं है। तो ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजिशंस को मैंने दिल्ली का टाइम लिया रात 12 बजे, ये जून 16 का, उसी हिसाब से ये प्लैनेटरी का पोजीशन है। और एग्जैक्टली 15 दिन के बाद 1 जुलाई 2021 को 6:20 सुबह दिल्ली का मैंने टाइम लिया और वहाँ प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह का कुछ। तो आप एनालिसिस करके देखेंगे कि ये प्लैनेटरी पोजीशंस हमारे जीवन के साथ क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि राशि के अनुसार कुंडली को देख लेने से कुछ मिस्टेक में पड़ जाते हैं। हमेशा लग्न के अनुसार देखिए, जैसे कि ये एक कुंडली का स्केच मैंने बनाया, मेष, वृषभ और मिथुन, ये 3 नंबर का साइन है मिथुन साइन का, और यहां 1 लिखा होगा, 1 नंबर है तो आपका लग्न है। जैसे कि चंद्रमा का ट्रांजिट मैंने लिया, चंद्रमा उसी दिन आपका सिंह साइन में पड़ता है। अगर चंद्रमा आपका हॉरोस्कोप में, आपका जन्म कुंडली में इस तरह का दिखता है तो आपका सिंह राशि होगा, सिंह राशि होगा। तो चंद्रमा को ओमिट कीजिए, लग्न के हिसाब से देखिएगा। मिथुन लग्न, यही ये लग्न आपका 1 नंबर जहां लिखा हुआ है, यह है एस्केंडेंट आपका, यह है आपका एस्केंडेंट। और ये प्लैनेटरी हिराची में जितना सारे प्लैनेट्स है, कभी कोई प्लैनेट बकरी होता है, कभी रेट्रोग्रेशन पे आता है, इस तरह का कुछ होता है, जो कि इसी महीने में आपका चेंज होने वाला है। मंगल यहां से यहां आ जाएंगे सेकंड हाउस को आपका, शनि पहले से रेट्रोग्रेशन पे है और बृहस्पति आपका 1 जुलाई तक रेट्रोग्रेशन पे आ जाएंगे, जो कि 10 जून से हुए हैं। और यहीं पे मैंने थोड़ा बहुत इंडिकेशन दे दिया है कि रवि जेमिनी को 15 जून से 16 जुलाई तक रहेंगे ये जेमिनी साइन में, मंगलदेव लियो साइन को 20 जुलाई आ जाएंगे और ये वहां पर ट्रांजिट करेंगे 6 सितंबर तक, बुध डायरेक्ट हो जाएंगे 23 जून और बृहस्पति कैप्रिकॉर्न में 20 जून रेट्रोग्रेड टिल 18 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेशन इसी बकरी पोजीशन में रहेंगे। और आपका शुक्र कैंसर को 22 जून को आ जाएंगे और सिंह राशि को 17 जुलाई को जाएंगे, यही है प्लैनेटरी ट्रांजिट। और कुछ नक्षत्र डिवीजन मैंने दिया, नक्षत्र डिवीजन के अनुसार प्लैनेट का इसी नक्षत्र में ट्रांजिट होता है, हो सके आप नोट भी कर सकते, ये बहुत काम का चीज है। हर रोज हर डेली के हिसाब से आपका दैनिक राशिफल देखने को कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, कंप्लीटली एक महीना का ट्रांजिट के अनुसार, हर डे के अनुसार आपका रिजल्ट किस तरह का मिलेगा, यही है आपका नक्षत्र डिवीजन। और तारा चक्र उसी हिसाब से निकाला गया है, कौन सा प्लैनेट आपके लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है। और ये मून का ट्रांजिट इसी महीने का 16 तारीख से जुलाई 15 तक। पहले देखते हैं हेल्थ को, किस तरह का हेल्थ का एबिलिटी हम इसी महीने में मिथुन लग्न हमें ट्रांजिट में मिलता है, यही है आपका लग्न।
यही लग्न, ये लग्न का अधिपति आपका बुध होते हैं, और बुध यहां पर रेट्रोग्रेशन पे है, फिर भी बुध आपका डायरेक्ट हो जाए 23 जून को आ जाएंगे, आपका राशि खुद का जगह, खुद का प्लेस, खुद का लग्न को। मर्कुरी आपका लग्नाधिपति है, वो आ जाएंगे 23 जून को, रेट्रोग्रेशन बकरी थे वो 23 जून को आ जाएंगे। तो लग्नाधिपति आपका लग्न में, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। पहले से मैंने मिथुन लग्न के लिए जो वीडियो बनाया था, आप लोगों को बताया था, बेहतर ढंग से आपको उन्हीं के हिसाब से रिजल्ट जरूर मिला होगा। धन्यवाद आप लोगों के कि कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा सराहना किए हैं आप लोगों ने, और ये आपका इंस्पायरेशन के लिए मैं आप लोगों से बहुत 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 आभारी हूँ। ये मर्कुरी बुध यहां पर होने से ये मंगल का नक्षत्र को ट्रांजिट करता है। मंगल का नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र को बुध यहां पर ट्रांजिट करेगा। मंगल आपका सिक्स हाउस का लॉर्ड है और ये 11 हाउस का लॉर्ड है। देखें नक्षत्र हिसाब से बुध मंगल का है, और मंगल आपका शनि की नक्षत्र में है, शनि आपके लिए बेहतर है। दो ग्रुपी जिम बंटा हुआ है, एक शुक्र ग्रुपी जिम का है और एक आपका देवगुरु बृहस्पति का ग्रुपी जिम में आता है। शुक्र ग्रुपी जिम, सारे वीडियो में मैंने यही बता रहा हूँ, शुक्र की ग्रुपी जिम में बुध शनि एंड शुक्र ये तीनों होते हैं। बृहस्पति की ग्रुपी जिम में बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल एंड आपका रवि, चार प्लैनेट्स होते हैं। तो शनि की नक्षत्र में मंगल होंगे, मर्कुरी बुध आपका मंगल की नक्षत्र में है, और ये छठा पोजीशन जो कि जॉब सर्विस, जो कि प्रॉब्लम में था कि लॉकडाउन कोरोना की वजह से जो कि सेटअप नहीं हो पा रहा था, वो सब जॉब के लिए आपका कुछ दिशा दर्शाएगा इसी महीने में। कहीं भी आपका प्रोफेशन चल रहा था ठीक से और ये सिस्टम का वजह से अगर बंद पड़ा हुआ है, तो उनके तरफ से कुछ कॉल लेटर हो, कुछ टेलीफोन कॉल्स हो, कुछ ना कुछ हो, और धीरे 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 ये सब बेहतर ढंग की तरफ जाएगा। मंगल यहाँ आने से सेकंड हाउस को सिक्स लॉर्ड का मालिक है और ये आयाभाव का मालिक है, कुछ ना कुछ पैसा का प्रबंधन हो जाएगा। पड़ा हुआ पैसा था तब तो आपको मिल जाएगा, मिलने को कोशिश कीजिए, मंगल आपको देने वाला है। हाँ, मंगल यहाँ पर तो नीचे है, मंगल यहाँ पर नीचे है, फिर भी मंगल आपका षष्ठाधिपति और एकादश अभावाधिपति है। मंगल यहाँ आने से आपका ये छठा भाव आपका प्रोफेशन जॉब इस तरह का कुछ काम का है, नौकरी पेशा में जो सराउंडिंग एरिया आप लोगों का होता है ना, जो स्टाफ्स वगैरह के साथ आप काम करते हैं, वो प्रत्यरी तारा में पड़ता है मंगल का तीन नक्षत्र। प्रत्यरी तारा में पड़ता है मंगल का तीन नक्षत्र चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। ये प्रत्यरी तारा कुछ एनिमिटी क्रिएट करेगा। मंगल नीचे होंगे, दुर्बल होंगे, फिर भी आपका आय का मालिक है, आपका छठा भाव का मालिक है, इसके वजह से कुछ ना कुछ एनिमिटी क्रिएट होगा। आपका वो जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंस एटमोस्फियर होता है ना, जो जहां पर आपका जीविका प्रोफेशंस डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ एनिमिटी क्रिएट होंगे जो कि आपको फ्रंट फेस में जाने के लिए रुकावट, इस तरह का मौका वो लोग ढूंढेंगे। जरा संभाल के चलना, स्वास्थ्य के अनुसार स्वास्थ्य बेहतर ढंग से रहेगा। बिकॉज क्यों ना, आपका बुध की तीन नक्षत्र जो ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा, वो अति मित्र जोन में पड़ता है,
ये जून 15-16 से जुलाई 16 तक का जो टाइमिंग है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य आपका बेहतर ढंग रहेगा, बेस्ट रहेगा। अगर कहीं कुछ इम्पैक्ट पड़ा हुआ था पिछले महीने में तो वो सुधर जाएगा, बेटर को आ जाएगा। डॉक्टर का कंसल्टेशन का काम ठीक ढंग से कर नहीं पा रहा था, कोई बुजुर्गों के लिए मैं ही भी बता रहा हूँ, तो वही मेडिसिन वही पेशेंट के लिए बेटर इम्पैक्ट लाएगा ड्यू टू द अतिमित्र जोन। बुध मर्कुरी इनका तीन ही नक्षत्र होता है, खुद बुध आपका लग्नाधिपति में आ जाता है लग्न को। इसके बाद फैमिली लाइफ आपका फोर्थ प्लेस को डिनोट करता है, 4 नंबर। ये भी मर्कुरी का प्लेस है, ये भी बुध का प्लेस ही है। मिथुन राशि एक स्थिर प्रज्ञा जल राशि है, जहां ना ऊपर से नीचे कहीं जल जाता है ना कोई हलचल सा होता है, कंस्टेंटनेस में एक नौका में दो पर्संस बैठे हुए हैं, जो कि एक मेल है और एक फीमेल। एक वीडियो मैंने डिस्क्राइब किया था मिथुन साइन को, एक मेल और एक फीमेल, उनके हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो कि वो नाव को बहा के कहीं दूसरा किनारे चले जाए, वो मिडिल पाथ में है, वो इतना सा वाटर कंटेनमेंट में, इतना बड़ा वाटर कंटेंट, जहां देखो जल ही जल, जल ही जल, एक नाव में बस बैठे हैं दो पर्संस। साइंटिफिकली इसको एनालिसिस कीजिए, तो खुद को वो तैयार किया कि वो किसी को डिस्टर्बेंस ना करे, ना कोई इन्हें डिस्टर्ब करे। इन दोनों में अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन हो जाए तो मिथुन लग्न के लिए रास्ता बेहतर ढंग से नहीं चलेगा। करता है पर्सन कुछ, वो आदमी वो बंदा कुछ करता है, कोई डिस्टर्बेंसेस कोई रुकावट सा नहीं आता है, तो बेटर इंजीनियरिंग कर सकता है, बेटर लॉयर बन सकता है, बेटर जज मजिस्ट्रेट बन सकता है, बेटर कंसल्टेंसी बन सकता है, नॉट बेटर बेस्ट। मगर बनने में जो सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, अगर उसी में कुछ प्रॉब्लम कुछ रुकावट आ गया तो वहां तक जाने के लिए मिथुन लग्न को बहुत बेहतर ढंग से और ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ता है। कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो टारगेट और डेस्टिनेशन में वो आराम से, नहीं तो कम से कम मेहनत की वजह से वो पहुंच जाता है। बहुत बड़े बड़े हस्तियां हमारा भारतवर्ष में है मिथुन साइन का। कांग्रेस का जो अध्यक्ष जो हमारा फीमेल सोनिया गांधी मिथुन लग्न का है। तो फैमिली लाइफ मर्कुरी, वही मर्कुरी बुध जो कि आपका एस्केंडेंट लग्न में बैठे हैं, और इन पर ना किसी का ऐसा फोकस फुल होता है, सिर्फ सिवाय राहु का। 1, 2, 3, 4, 5 तो मंगल तो सेकंड में, राहु आपका वो सोशल लाइफ को फैमिली लाइफ को तो फुल फोकस में रखता है, तो बोली में बातों में कुछ सिंसियरिटी कुछ कॉशसनेस होना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस आपका मुंह से निकलते हुए जो बात होता है वो दूसरे को कड़वा लग सकता है। आप अच्छा बोले ना क्यों, मगर वही बात उससे ठीक से हजम नहीं होता है, चाहे आपका प्रोफेशन की जोन में हो, फैमिली की जोन में हो। अगर आप बड़े हैं तो छोटे को ठीक नहीं लगेगा, अगर आप छोटे हैं तो बड़ों को ठीक नहीं लगेगा। सोच समझ कर बात कीजिएगा। प्रोफेशन का बात बताया, वेल्थ आपका इसी महीने में मंगल, पहले बताया शनि का फुल फोकस में होने से भी मंगल आपका सेकंड ट्रांजिट करता है सेकंड हाउस को, ये 6th और 11th हाउस का, और नक्षत्र डिवीजन के अनुसार
शनि के नक्षत्र में वो पड़ता है, मंगल अभी पूछा कि, और अति मित्र जोन में मरकुरी बुध का आता है। सोशियबिलिटी आपका वही फोर्थ हाउस, और नाइन्थ पोजीशन में बृहस्पति आपका 1 जुलाई तक वो बकरी हो गए होंगे। और बृहस्पति राहु की नक्षत्र में आगे होंगे उस टाइम, थे हो गए राहु में। और क्या क्या चेंज होता है देखें, और क्या क्या चेंज होता है, केतु चेंज हो जाता है, शनि की नक्षत्र में आ जाता है, पहले थे ज्येष्ठा की नक्षत्र मरकुरी बुध का, और अभी चेंज हो जाएंगे, वो थे मंगल की नक्षत्र में और राहु की नक्षत्र में आ जाएंगे और रेट्रोगेशन हो जाएंगे, बकरी हो जाएंगे। मिथुन साइन के लिए बृहस्पति 1 जुलाई 2021 से क्या करते हैं देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में तो है बृहस्पति, मगर रेट्रोगेशन में है। जिसी भी प्लैनेट बकरी होता है तो उसका इम्पैक्ट पिछले हाउस को ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए एक कार 100 स्पीड में चलता है, सडनली 1 सेकंड की टाइम में अगर वो बैक गियर डालेगा तो गियर का पिनियन टूट जाएगा, क्योंकि वही सेकंड में वही डेस्टिनेशन से वो पीछे आने के लिए कम से कम कुछ वक्त चाहिए, कम से कम कुछ वक्त चाहिए। नहीं मिलता वक्त तो क्या से क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब गियर का पिनियन, गियर का लीवर, कुछ ना कुछ हो सकता, मगर वो गियर बैक गियर फंक्शन नहीं कभी करेगा। गियर तो होगा ही नहीं, डाल नहीं सकता कोई, फिर भी कोई कोई गाड़ी में ऐसा भी हो सकता है, अगर वही 70-80 स्पीड 100 स्पीड में बैक गियर लगा देने से गियर का लीवर पॉइंट टूट जाएगा, मगर गाड़ी कभी पीछे नहीं आएगा, क्योंकि पीछे आने के लिए सिस्टमेटिकली एक टाइम चाहिए। एक्शंस हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो जो स्पीड है वो स्पीड के अनुसार उसे ब्रेकेज करना पड़ेगा और उसके बाद वो रिवर्स आएगा। ब्रेक एंड रिवर्स, वो जो टाइमिंग, वो रेट्रोगेशन में बहुत 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 ग्रेविटी देता है, वो पिछला वाला हाउस को बहुत इम्पैक्ट देता है। जितने दिन तक रेट्रोगेशन पे रहता है कोई भी प्लैनेट, उसका इम्पैक्ट को लाइटली हल्के से मत लेना, ज्योतिष का ठीक काम नहीं है। वही बृहस्पति आपका रेट्रोगेशन में है, ट्रांजिट यहाँ पर होता है, तो बैकवर्ड वो इम्पैक्ट डालता है कहाँ ना, शनि के ऊपर। शनि भी वहाँ रेट्रोगेशन है तो वो भी ये बृहस्पति के हाउस के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। देखिए किस तरह का प्लैनेटरी पोजीशन इसी महीने में, इसको ज्योतिष के हिसाब से एनालिसिस करें या साइंस के हिसाब से एनालिसिस करें तो दोनों की दोनों प्लैनेट पे रिलेशनशिप अच्छा है, बेस्ट नहीं है, बेटर है, कोई किसी का एनिमी नहीं है। बृहस्पति एक मेटेरियलिस्टिक एंड शनि एक स्पिरिचुअलिस्ट। शनि मेटेरियल अनदर पार्ट में है, बृहस्पति मेटेरियल अनदर पार्ट में है, दोनों में दोनों खूबियां ही है। वो इम्पैक्ट इन पर और वो इम्पैक्ट इनके घर पर। बृहस्पति शनि को देखा जाए तो 8वां पोजीशन में शनि, फैमिली का दूर तक कोई नेगेटिव न्यूज आपका मन को हलचल कर सकता है, और अचानक सा आपका एक्सपेक्टेशन की बाहर है वो, आपका एक्सपेक्टेशन की बाहर है वो, हो भी सकता कोई नियर एंड डियर का
कोई लॉसेस, भगवान किसी से इस तरह का पनिशमेंट ना दे, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ। आज मेरा जो गांव है वो कम से कम 5-7 हज़ार का पॉपुलेशन का गांव है। आज सवेरे 20 पर्सन्स आदमी बंदे को कोरोना पॉजिटिव हुआ है और अभी से नोटिफिकेशन लगा दिया गया है। अभी टाइम 5:30-6 बजे शाम दे दिया गया है नोटिफिकेशन। कल सवेरे से हमारा ये एरिया कंटेमिनेशन जोन में बदल जाएगा 30 जून तक। जो 20 बंदे ने आज सवेरे हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया, 20 के 20 ही कोरोना पॉजिटिव मिला। ईश्वर से यही प्रार्थना, सभी को अच्छा रखे। देशवासी, मेरा इस तरह का दुख को पार करने के लिए सभी को भगवान बहुत पेशेंस दे, क्योंकि मैंने इस तरह का दुख झेल चुका है। एक वीडियो ने मैंने बताया था कि एक ही दिन में मेरा 2 दोस्त चल बसे। तो ये महीना आपके लिए इस तरह का रिजल्ट कुछ प्लैनेटरी ट्रांजिट के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया। ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट आपको 60% मिल ही जाएगा। और आज के लिए बस विदा दीजिए गौरंग पंडा को। जय जगन्नाथ, नमस्ते। सदा सुखी रहे, हमेशा सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।